नमस्कार, मैं डॉक्टर सुनील कुमार, प्रैक्टिसिंग डर्मेटोलॉजिस्ट इन ईस्ट दिल्ली, इप्राड पॉजिटिव हेल्थ एंड स्किन एंड डेंटल क्लिनिक्स। आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ बढ़ते हुए फंगल इन्फेक्शन उसके चैलेंजेस को लेके। ये हमारे देश में जैसे कि आज हम देख रहे हैं एक वायरस, कोरोना वायरस हैज बिकम अ पैंडेमिक। ये ऑलरेडी हमारे देश का एक बहुत बड़ा स्ट्रांग एपिडेमिक है और इसको एपिडेमिक बनाने में, एपिडेमिक प्रोपोर्शन ले जाने में काफी हद तक सभी का रूल है इसमें। और सबसे इम्पोर्टेंट रूल है कि पेशेंट अपना ट्रीटमेंट पे एडहर नहीं करता, टिकता नहीं है। एंड पेशेंट को दवाई दी जाती है, कुछ दिनों में आराम होता है, वो छोड़ता है, फिर दवाई देता है, फिर छोड़ता है। इस वजह से इस समय एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने ये भी है इलाज करते वक्त कि मैक्सिमम दवाइयां रेजिस्टेंट हो चुकी हैं, काम नहीं कर रही हैं, और कॉम्बिनेशन ड्रग्स की जरूरत है इस समय हमें, हम जो यूज कर रहे हैं। तो मेरी एडवाइस है कि अपना पर्सनल हाइजीन बहुत अच्छा मेंटेन रखें, साफ सफाई रखें, और दवाई का जो ट्रीटमेंट है उसको प्रॉपरली यूज करें। फंगल इन्फेक्शन ठीक होने के बाद भी कम से कम 2 सप्ताह तक एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट लें ताकि फंगस पूरी तरह से चला जाए। ये चीज समझने की है यहाँ पर कि फंगस का जो प्रॉब्लम है, जो फंगल डिजीज है, वो डोज डिपेंडेंट नहीं है, वो ड्यूरेशन डिपेंडेंट है। कि हमने डोज बढ़ा के ज्यादा खा ली ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं है। इसको एक प्रॉपर ड्यूरेशन तक खाना जरूरी है। सो एक एडवाइस आपको देना चाहूंगा कि अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर मिले, डिजीज को आसानी में ना लें, हल्के में ना लें, इसका ट्रीटमेंट प्रॉपरली कराएं और कॉन्टैक्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट व्हेनेवर यू हैव अ चैलेंज, और यू कैन राइट ऑन द गिवन ईमेल आल्सो। थैंक यू।